नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिनभर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में चुनावी बिगुल बजते हुए आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है। बात अगर मध्यप्रदेश की करें तो यहां भी चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी देखी जा रही है। चुनाव आयोग की जहां अपनी तैयारियां हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पटखनी देने के लिए सियासी तैयारी में जुटे हैं। इन सबके बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस समय पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से बात की हमारे सहयोगी जीएस ठाकुर ने। लोकसभा चुनाव चार चरणों में होंगे अपने यहाँ। शुरुआती जो चार फेज हैं उसमें मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। हमारी पूरी तैयारी है, 29 जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें चुनाव को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज से जो MCC है, आदर्श आचार संहिता, वो प्रभावशील हो गई है, तो सभी कलेक्टर्स को इसके बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए। और जहां तक तैयारी का सवाल है, तो जितनी गतिविधि होती है चुनाव से संबंधित, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो पुलिस के डिप्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, चाहे मतदान केंद्रों का भ्रमण हो, मतदान केंद्रों पे व्यवस्थाएं हो, तो सभी चीजें बिल्कुल उनको आकलित कर लिया गया है और उनपे सारी कार्रवाई समय सीमा में की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप थम नहीं रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने किस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव किया, यह सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी। हमने तीन प्रमुख मुद्दे, हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई, मैंने आपको अभी जो कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन के पार्ट में तीन चीजें दी है, और मध्य प्रदेश में हर स्केल पे इस भावना को हम आगे तक कैसे ले जाएं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प। कांग्रेस ने बीजेपी पर चंदा चोरी का भी आरोप लगाया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कैसे आरोप लगा सकती है, विपक्ष अगर आंकड़ों और तथ्यों पर नजर डाले तो सच्चाई सामने आएगी। नहीं, कांग्रेस कैसे आरोप लगा सकती है? कांग्रेस अगर तथ्यों और आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, और ऐसे में 6000 करोड़ हमें बॉन्ड के माध्यम से मिले हैं, और पूरे विपक्ष के पास, जिनके पास 242 सांसद हैं, उनको 14000 करोड़ मिले हैं। तो ये जो रहा तथ्यों का, जब आंकड़ा इनको बहुत गंभीरता से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जो चंदा चोरी है ये विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी तो पारदर्शिता से जो लिया है सबके सामने। बहरहाल शासन प्रशासन की तैयारियां, राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता भी अब लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। देखना होगा कि इस बार जनता के मर्म को कौन भली भांति समझ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। सोमवार को राजधानी भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की अहम बैठक हुई। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आगामी रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में तय किया गया है कि पार्टी की ओर से बालाघाट, मंडला और सीधी में आदिवासी संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का विशेष फोकस है।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही एक और चुनावी कैंपेन शुरू होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा अपने प्लान में दर्जनों वीवीआईपी नेताओं के दौरों की प्लानिंग कर रही है, तो कांग्रेस भी जोर शोर से अपनी तैयारी को अंजाम दे रही है, जिसमें दर्जनों नेता मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे और रोड शो करते हुए प्रचार करेंगे। कांग्रेस के पास अब ऐसा कौन सा नेशनल लीडर बचा है जिसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता राष्ट्रीय स्तर पर हो? ये तो सब अपने गुटों में और चंद जगहों पर सिमटे हुए नेता हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व क्षमता में मोदी जी उसका लीड करते हैं, और जहां जाएंगे अपने काम और अपनी विश्वसनीयता का एक डंका पीटेंगे। कांग्रेस तो खाली है, और कांग्रेस के पास न प्रत्याशी है, न कार्यकर्ता है, न नेता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं आएंगे आप ये बताइएगा। चुनाव चुनाव के ढंग से ही लड़ा जाएगा, बराबरी के दो दो हाथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता सिर्फ दो ही हैं, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे माननीय अमित शाह जी। उनके अलावा किसी को नेता मानते ही नहीं। बाकी तो भीड़ आएगी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में, नेता सिर्फ दो ही हैं। हमारे वहां सब राष्ट्रीय नेता आएंगे। राहुल गांधी के ईवीएम पर दिए बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है, राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, लोकतंत्र की समझ नहीं है। ईवीएम जैसे निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन, जिससे लोकतंत्र का मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, उस पर सवाल खड़ा करना बेहद आपत्तिजनक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल को विचार करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा कि नहीं मान रहा है। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से पहले से 370 अधिक वोट पाने की बात कही। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कहा कि यह निर्णय इलेक्शन कमीशन करता है, सरकार नहीं करती। इसके साथ ही उन्होंने छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के विजयी होने का दावा किया। चुनाव का बिगुल बन गया, बज गया है, और हमारी तैयारी जो पहले से जारी थी उसको हमने और सशक्त तैयारी के माध्यम से विधानसभा वार, जिले वार, मंडल वार, और यहां तक कि पोलिंग बूथ तक की हम बैठक बुला रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वोट से केसेस जीते इसके लिए हमारी कार्य योजना बन रही है। हमने इंदौर लोकसभा में 8 लाख से ज्यादा का लक्ष्य रखा है, और उसका टारगेट पूरा हो इसके लिए सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ को टारगेट करें। हर पोलिंग बूथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछली बार से 370 वोट ज्यादा मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जहां घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस अब तक अपने पूरी सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, जिसको लेकर प्रेमनगर से भाजपा विधायक भोलम सिंह मरावी ने कहा कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस जरी हुई है, इसी कारण वो अपना उम्मीदवार ही नहीं तय कर पा रही। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रामकृष्ण ओझा का कहना है कि प्रदेश से नाम भेज दिए गए हैं, बहुत जल्द नाम का ऐलान हो जाएगा। देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है, उस गारंटी के हिसाब से लोकसभा का प्रत्याशी सरगुजा के लिए भी घोषित कर दिया है, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए आज प्रत्याशी घोषित हो गया है माननीय चिंतामणि महाराज जी का। और कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषणा नहीं कर पा रहा है, जो कि मोदी जी का डर से अभी तक वो प्रत्याशी अपना घोषित नहीं कर पा रहा है। हो सकता है यहाँ पर सरगुजा में निर्विरोध ना हो जाए, ऐसा मुझे लगता है।
देखिए कांग्रेस के टिकट फाइनलाइजेशन का काम जो है ऊपर में सीडब्ल्यूसी के तक बात पहुंची हुई है, यहाँ के जो सारी प्रक्रिया है प्रदेश स्तर की वो पूरी हो चुकी है। कुछ एक फैक्टर होते हैं, जहां तक जैसे सरगुजा लोकसभा की बात है तो आप सब भी इस बात से वाकिफ हैं कि पिछला चुनाव में कांग्रेस का यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो कई बातों को पार्टी में को विचार में करना रहता है। प्रदेश स्तर पे एक एक नाम का पैनल सभी सीटों के लिए जा चुका है, जो भी सीटें हैं वो दो चार दिन के अंदर घोषित हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग ने जिन छह राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में होने वाले एकमात्र बस्तर संसदीय सीट में भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, वहीं कांग्रेस अब तक इस सीट में उम्मीदवार का नाम नहीं तय कर पाई है। बस्तर के भाजपा जिला अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा के पास जनता की पसंद के उम्मीदवार का नाम है। साथ ही कहा कि भाजपा से कांग्रेस डर चुकी है, यही कारण है कि वो अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की जीत और डबल इंजन की सरकार को ध्वस्त करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसकी जो संरचना है बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उसकी संरचना है। हम लगातार अपनी संरचना में विभिन्न बैठकें विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर पब्लिक के बीच और उनके बीच जाते रहते हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। और छत्तीसगढ़ में जो 11 के 11 सीट है वो कांग्रेस अभी असमंजस में है, किसको करें किसको दें नहीं दें, कुल मिला के मैदान छोड़ के भागने की स्थिति में है वो। अब देखते हैं किसके माथे उनका चढ़ता है। सूची भेज दी गई है और जो जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं सभी अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर आम मतदाताओं से मिल रहे हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी की जो हमारी गारंटी है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो राहुल जी ने जो घोषणा किया है प्रत्येक महिलाओं के खाते में 1 लाख दी जाएगी, जो पेपर लीक का मामला है वो पेपर लीक का मामला नहीं होगा, 50% महिलाओं को नौकरी में भी आरक्षण देंगे। एक और जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर महादेव गेमिंग एक ऐप की चर्चा है। महादेव ऐप की जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अटकी है। महादेव ऐप के अवैध संचालन के लिए प्रोटेक्शन मनी देने के आरोप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। अब इस मामले की जांच EOW करेगी, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जिस महादेव ऐप के तांडव की चर्चा है, उस महादेव ऐप की शुरुआत साल 2019 में एक ऐसे क्रिकेट गेमिंग ऐप के रूप में हुई थी जिसमें लोग पैसा लगाकर दुगना पैसा कमा सकते थे। बताते हैं अपने तरीके के इस अनोखे और बड़े कारोबार की शुरुआत छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले दो युवा सौरभ और रवि ने की थी। सौरभ एक जूस की दुकान चलाया करता था जबकि रवि उप्पल एक टायर की दुकान चलाता था। ऐप इतना बढ़ गया कि ऐप से प्रमोटर हर रोज 200 करोड़ रुपए कमा रहे थे। इस सट्टेबाजी का नया कारोबार रवि और सौरभ ने कुछ ऐसा जमाया कि महादेव ऐप देखते ही देखते न केवल भारत बल्कि आसपास के देश नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका तक फैलता चला गया। कुछ ही महीने में महादेव ऐप राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐप बन गया। ये मामला तब सामने आया था जब सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बैंकर ने साल 2019 से ऐप के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। सबसे पहले महाराष्ट्र में इस मामले में जुआ रोकथाम और IPC के तहत FIR दर्ज की गई। तब ये प्रकरण उस समय उतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। सौरभ और रवि ने भी ऐसी ही एक गलती कर दी। सौरभ ने साल 2023 के फरवरी के महीने में शादी की जिसमें करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए।
जांच एजेंसियों के कान तब खड़े हुए जब पता चला कि ये सारे पैसे कैश में दिए गए हैं। यहीं से मामले की जांच शुरू हुई और ईडी ने जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए। इस मामले में ईडी ने अब तक 400 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति जब्त की है। लेकिन सारा मामला राजनीतिक तब हो गया जब विधानसभा चुनाव के और पहले शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति ने न केवल महादेव ऐप का अपने आप को प्रोवाइडर बताया बल्कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रोटेक्शन मनी देने की बात भी कही और उसके बाद से ये मामला लगातार गरमाता रहा। ईडी की जांच और शुभम सोनी के बयान के आधार पर तलवार भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के समय से लटक रही थी। अब इस मामले में ईडी की चार्जशीट के आधार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल एफआईआर के दायरे में आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर होते ही इस मामले में राजनीति तेज हो गई। सरकार को खुद जैसे इस मामले में आरोप लगाने का मौका मिल गया। बीजेपी भूपेश बघेल पर एफआईआर को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। जिनके खिलाफ मसले होंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगा, उसमें कोई साधारण आदमी या कोई बड़ा आदमी नहीं है। राज कानून का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। कानून के नजर में सब एक होते हैं, पंडा जी हैं। विषय भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। कांग्रेस ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में भूपेश बघेल पर एफआईआर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, जिसके जवाब में खुद पूर्व सीएम ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा करार दिया है। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। इधर जैसे ही महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल ने पल्ला झाड़कर इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश बताया, वैसे ही बीजेपी फिर से हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेश बघेल और उन पर लगे आरोपों को केंद्रित करते हुए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और बघेल पर जमकर निशाना साधा। महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था और वो एफआईआर भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया तो उसके बाद कि ईडी इसमें हाथ नहीं डाले इसलिए उन्होंने यहां पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं। अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। अभी भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई है, मामले की जांच होगी और चार्जशीट के बाद केस कोर्ट में चलेगा। लेकिन महादेव ऐप के जिस मामले ने विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव को प्रभावित किया था, वैसे ही ठीक लोकसभा के पहले एक बार फिर महादेव ऐप के घोटाले ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान झेलना पड़ा और अब लोकसभा चुनाव के पहले आए इस मामले में कांग्रेस के साथ भूपेश बघेल के लिए नई परेशानी शुरू हो गई है। मोहन तिवारी, TV24 न्यूज। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही राजनीतिक दलों में उठापटक शुरू हो गई है। जीत के लिए हर कोई वादे और घोषणाओं से मतदाताओं का दिल जीतने की भरसक कोशिश में लगा है। 5 लोकसभा सीट वाले उत्तराखंड के मतदाता कई मायनों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। देश में मतदान प्रतिशत में अव्वल गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य रहा है जो इस बार 75% मतदान के लक्ष्य को साधकर नया कीर्तिमान गढ़ने को बेताब है। बीते 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे तो मतदाताओं ने 5 लोकसभा सीटों पर एक जैसा फैसला सुनाया है। बीते 2 चुनाव 2014 और 2019 में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को संसद भेजा। 2009 में ऐसा ही मौका कांग्रेस को दिया था। राज्य गठन से पहले और बाद में कई बार ऐसे मौके भी आए जब मतदाताओं ने अपनी गड़ी परिपाटी को एक झटके में तोड़ भी दिया।
छोटे राज्य की राजनीतिक सोच और नजरिया लंबे समय से दो दल भाजपा और कांग्रेस के करीब ही रहा है। क्षेत्रीय दलों ने खुद को ज्यादा करीब साबित करने के लिए स्थानीय और भावनात्मक मुद्दों के साथ मजबूत उम्मीदवारों को भी उतारा, लेकिन आम मतदाताओं की उंगली राष्ट्रीय दलों के बटन पर ही आकर रुकी। हाँ, 2012 के परिसीमन से पहले और राज्य गठन के बाद 2004 में हरिद्वार से समाजवादी पार्टी के सांसद को भी संसद पहुंचाया। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के मतदाता राज्य में एक दल की सरकार बनाते और सांसद दूसरे दल का चुनकर भेजते। 2002 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 5 में से 3 सांसद भाजपा के जीते। 2009 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उसके सभी सांसद उम्मीदवार हार गए। 2014 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके उनका कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका विश्वास, सबका विकास, सबके प्रयास के सिद्धांत के साथ काम करती है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको भी भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को दिया गया है। इसके लिए हमारे 7 मोर्चे बनाए गए हैं, 18 हमारे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और चुनाव को लेकर के इन 7 मोर्चों को और हमारे जो 18 विभाग बनाए गए हैं उनको अलग अलग काम दिए गए हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो, समाज के प्रत्येक वर्ग तक हमारे डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां पहुंचे, उसकी जानकारी उनको मिले, इसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बूथ स्तर तक कार्य में जुटी हुई है और जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश भर में और देश भर में जो मोदीमय माहौल है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत हम प्रचंड जीत उत्तराखंड से तीसरी बार हम जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। मतदाताओं का मिजाज भापने में भाजपा कुछ मायनों में आगे रही। शायद यही कारण है कि लोगों ने अपनी बनाई परिणीति और परंपरा को तोड़ना बेहतर समझा और राज्य में 5-5 साल का फार्मूला भाजपा को जिताकर तोड़ा। 2019 में भाजपा के 5 सांसदों को पुनः जिताकर भेजा, जबकि राज्य में भाजपा की सरकार थी। निश्चित ही देखिए, उत्तराखंड क्या पूरे देश में इस समय बेरोजगारी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी, कल को इनका एक कोई सर्वे आया था जिसमें 6000 पद इन्होंने भरे हैं और उसमें बड़ी तालियां पीट रहे थे कि हमने 6000 पद भर दिए हैं। 2 करोड़ की बात करने वाले, साल में 2 करोड़ रोजगार देने वाले, 6000 पे तालियां पीट रहे हैं। आप देखिए कितने लोगों को कोरोना काल में जो नौकरी लगी थी, हजारों की संख्या में लोगों को बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है और ये ऊंट के मुंह में जीरे का सवाल है। जो 6000 पद दिखा रहे हैं ये कुछ नहीं, चुनावी माहौल है। एक साल का समय, एक साल के अंदर ये भर्ती हुआ दिखा रहे थे ये लोग, तो ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए दिया है और उसके बाद अगर गलती से अगर जीत जाए तो पता नहीं कितने हजार लोगों को बाहर कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। बात करें पौड़ी लोकसभा सीट की, इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 14 विधानसभा सीटों में भाजपा के पास 13 हैं, कांग्रेस के पास एकमात्र बद्रीनाथ सीट थी। इस लोकसभा सीट में एक विधानसभा नैनीताल जिले की रामनगर भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने भाजपा से पहले अपने उम्मीदवार गणेश गोदियाल की घोषणा की थी। भाजपा ने इस सीट पर इस बार तीरथ सिंह रावत की जगह राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा के जातीय गणित और मतदाताओं के ब्राह्मण ठाकुर फार्मूले में यहाँ ठाकुर मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार इस बार ब्राह्मण हैं। वहीं बात करें टिहरी लोकसभा सीट की, तो लोकसभा क्षेत्र टिहरी 14 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। इस लोकसभा क्षेत्र की आधी यानी 7 सीट देहरादून जिले में आती है। पहाड़ के साथ देहरादून में मतदाता भी निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। देहरादून में मिश्रित आबादी और यूपी के सहारनपुर जिले से सटे होने के कारण विकासनगर, सहसपुर, कैंट का कुछ हिस्सा, राजपुर और रायपुर मुस्लिम आबादी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि शहरी आबादी का फायदा भाजपा को ही मिलता रहा है। भाजपा ने यहां राजघराने पर भरोसा जताते हुए फिर से माला राज्य लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने टिहरी में वरिष्ठ नेता और मसूरी के पूर्व विधायक ज्योत सिंह घुनसोला को आजमाया है। इसके साथ ही बात करें सबसे महत्वपूर्ण हरिद्वार लोकसभा सीट की, तो यहाँ 14 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा के पास मात्र 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि अन्य 8 में कांग्रेस के पास 5, 2 बसपा और 1 निर्दलीय विधायक जीतकर पहुंचे। भाजपा ने हरिद्वार में भी बदलाव किया है, जो 2 बार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है। परिसीमन के बाद इस लोकसभा क्षेत्र का भी राजनीतिक मिजाज बदला है।
यहां आने वाले ऋषिकेश, धर्मपुर और डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों में पहाड़ी मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, जहां भाजपा खुद को सहज मानती है, जबकि हरिद्वार की मैदानी सीटों पर अल्पसंख्यक और दलित मतदाता बड़ा फैक्टर बनता है। इस वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा, कांग्रेस के अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय भी जोर आजमाइश करते रहते हैं। कांग्रेस अभी तक यहां उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पार्टी अन्य विकल्प भी देख रही है। इसके अलावा अगर बात करें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की, तो राज्य की सुरक्षित लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस ने टमटा बिरादरी से चिर प्रतिद्वंदी उतारे हैं। भाजपा के अजय टमटा तीसरी बार से मैदान में हैं, जबकि राज्यसभा सांसद रहे प्रदीप टमटा पर कांग्रेस ने पुनः भरोसा जताया है। बड़े क्षेत्रफल वाली इस सीट पर भाजपा दोनों चुनाव जीती है, लेकिन पांचों में जीत का अंतर सबसे कम रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के 9 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 5 विधायक जीत कर आए हैं। इसके अलावा सबसे खास और अहम मानी जाती है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा, तो यहाँ लोकसभा सीट मैदानी और पहाड़ी इलाके का प्रतिनिधित्व करती है। दो बड़े जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर इस लोकसभा के तहत आते हैं। भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। इस सीट के लिए कांग्रेस युवा उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। नैनीताल सीट कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन भाजपा ने जब से जीत दर्ज कराई है, तब से कांग्रेस के दिग्गज भी वापसी नहीं करा पाए हैं। लोकसभा क्षेत्र की 14 सीटों में यहां 9 भाजपा के पास और 5 कांग्रेस के पास हैं। बहरहाल मतदाताओं का मिजाज इस बार किस करवट बैठता है और क्या समीकरण रहते हैं, ये तो चुनावी माहौल ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी कर दिग्गजों को अपने पाले में ले आई है, उससे कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। वहीं भाजपा के अनुसार उनके तर्कश में और भी तीर हैं, जो पूरे चुनावी माहौल को बदल सकते हैं, तो कांग्रेस के तर्कश के तीर फिलहाल जंग खा रहे हैं। देहरादून से TV24 के लिए योगेश शैली की रिपोर्ट। और आरंभ है प्रचंड में, फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।